जज बिटिया। जिन लोगों के अंदर अकेले चलने का हौसला होता है उन्हीं के पीछे एक दिन पूरा काफिला होता है। ये बात यूं तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रहने वाली शालिनी त्यागी ने इस बात को साबित कर दिया है। इस कड़ी में उन्हीं की बिरादरी के कुछ और लोग भी शामिल हैं, देखेंगे इस रिपोर्ट में। जज बिटिया, पहचान मिली, सम्मान मिला, मिल गया अपना मुकाम, खुशियां मिली, सौबत मिली, मिल गया संसार का प्यार। जज बिटिया, 20 जुलाई को जुडिशियरी का फाइनल रिजल्ट आया तो देखते ही मानो शालिनी के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। माता पिता, भाई बहन सभी शालिनी को गले लगाकर मिठाई खिलाकर उनको बधाई देने लगे। खबर पूरे जिले में फैली तो घर में बधाई देने वालों का तांता लग गया। त्यागी समाज के कई प्रबुद्ध व्यक्तियों ने शालिनी को घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और उनके आगे बढ़ने की कामना की। ऐसी खुशी जहां जो है जैसी हमारी बालिका ने प्राप्त की, इससे बढ़िया और कुछ नहीं। मैं तो अपने भाइयों से भी यही निवेदन करता हूं जो और हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपनी जाति का इतना ध्यान रखो, इसमें जलेशी कम करो और प्रोत्साहन ज्यादा बढ़ाओ। त्यागी बंधुओं ने आपस में मिलकर चर्चा की और सभी ने सम्मान करने का बीड़ा उठाया। इस बिटिया ने हमारी ने त्यागी समाज का नाम रोशन करा है, उसके लिए प्रोत्साहन तो बहुत ही एक छोटी चीज़ है। हम सभी मिलकर आगे बढ़ें और बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में इसी तरह से आशीर्वाद देते रहें, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और हमारी बिरादरी का नाम आगे जाएगा। त्यागी ने बहुत अच्छा काम किया है, समाज का नाम रोशन किया है। मैं और भी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि इस बिटिया से थोड़ा सीख लें। जो बच्चे ये कहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते, यहाँ आरक्षण का मैटर है यहाँ, या थोड़ी हिम्मत नहीं कर पाते, तो वो बच्चे जो हैं इन बच्चों से सीख लें। जो गाजियाबाद से 13-14 बच्चों ने पास किया है उनको ध्यान में रखते हुए आगे की तैयारी करें। शालिनी के ताऊजी, पिता, मामा और परिवार के कई अन्य बड़े लोग भी शालिनी के सम्मान समारोह के समय मौके पर मौजूद रहे और सभी ने शालिनी की मेहनत और उनके जज्बे को सराहा। शुरू से ही हमारे बच्चों के परिवार को सब गाइडेंस यही देते हैं कि हमको अगर स्टैंड करना है तो कुछ लक्ष्य बनाना होगा, उस लक्ष्य को बनाने के लिए पाने के लिए कड़ा परिश्रम करना होगा और उसके लिए ये नहीं देखना कि हम आरक्षण में है नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो काम करे बेटा निष्ठा से करना, इसमें भ्रष्टाचार कुछ नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से काम करना, वो करना। इसने बहुत मेहनत की है और आने वाले पीढ़ी के लिए एक दिशा निर्देश दिया है कि मेहनत करने से रिजल्ट अच्छे मिलते हैं और हम यही कामना करेंगे कि बच्चे इसे सीख लें और आगे बढ़ें। ये प्रयास करेंगे और नए नए बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिले, वो भी जुडिशरी की साइड में अपना प्रयत्न करें, मेहनत करें, लगन से अपना काम करें, निश्चित रूप से मेहनती आदमी को कामयाबी मिलेगी। पहले ही अटेम्प्ट में जुडिशियरी का मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने वाली शालिनी ने अपने शिक्षक जिया सर और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जिया जुडिशियल्स को भी इसका श्रेय दिया और साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने गोल को अचीव किया। कि अगर हमारे अंदर करने का जोश होना और हमें ये फिक्स कर ले कि हमें ये करना है तो नो वन कैन बीट यू, हमें कोई बीट ही नहीं कर सकता और यही मैंने किया था। बट ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ें उसके लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, लाइक आ सोसाइटी इंटरेक्शन एंड ऑल, मीन्स वी हैव टू फोकस ऑन दैट वन टारगेट एंड वन गोल। तो मैंने वही किया था कि जो मेरा गोल है उसी को फोकस करना है और मैंने उसी के लिए कंटिन्यू पढ़ाई करी थी। आफ्टर 12th मैं जुडिशियल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी बिकॉज मेरा एक गोल हमेशा एक ही रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारा गोल हमेशा फिक्स होना चाहिए, हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है और हमें उसी के लिए फाइट और स्ट्रगल करना चाहिए, तभी वी कैन इजली अचीव दैट गोल, अदरवाइज इट्स वेरी इम्पॉसिबल। वी हैव टू क्लियर अबाउट ओन गोल्स। UPPCS जेके इस रिजल्ट में त्यागी समाज के ही कई और बच्चों ने भी अपने जिले और घर वालों का नाम रोशन किया है, जिनमें मुजफ्फरनगर के बरले गांव के दीक्षा त्यागी ने केवल 23 साल की उम्र में ये परीक्षा पास की, तो वहीं आखलोर के अंकित त्यागी ने भी इस परीक्षा में अपना परचम लहराया और दिल्ली में झड़ोदरा माजरा के रहने वाले ACP की बेटी रिचिका त्यागी ने भी जुडिशियरी का एग्जाम क्लियर किया। हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है, हर असफलता हमें एक नई राह दे जाती है, जो समेट लेता है इन सभी को एक साथ उसी को कामयाबी अपने कदम चुम पाती है। दिल्ली NCR की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण। नमस्कार।